पौरी थाना क्षेत्र के मचा भानगढ़ से खबर आ रही है, जहां एक 6 साल की मासूम चाची की डांट से क्षुब्ध होकर घर से भाग गई। वे भागकर रोड किनारे रोते रोते पौरी की ओर जा रही थी, तभी स्थानीय लोगों ने उसे रोककर पूछा और डायल 100 को इस मामले की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मासूम को लेकर अपने साथ थाने पहुंची। जानकारी के अनुसार एक 6 साल की मासूम नंदनी पुत्री लल्ला आदिवासी उम्र 6 साल की मां उसकी बेटी को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई, जिसके चलते मासूम अपनी चाची के साथ रह रही थी। बीते रोज किसी बात को लेकर चाची ने नंदनी को डांट दिया। इस डांट से परेशान होकर मासूम घर से भाग गई और वे रोते रोते रोड किनारे जाने लगी। स्थानीय लोगों ने इस मामले की सूचना डायल 100 को दी। डायल 100 मौके पर पहुंची और मासूम को अपने साथ लेकर थाने आई और उसके बाद चाची को बुलाया गया। चाची थाने पहुंची और मासूम को अपने साथ ले जाने की कहने लगी, परंतु मासूम चाची के साथ जाने तैयार नहीं हुई। इसके बाद पुलिस ने चाइल्ड हेल्पलाइन से संपर्क कर अब उसे चाइल्ड हेल्पलाइन को सुपुर्द कर दिया है। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कि मचा रोड पर एक बच्ची अकेली बैठी हुई रो रही है, जिस पर से एफआरबी फोर्स तुरंत गया था और मुझे सूचना दी थी तो मैं भी गई थी। बच्ची से पूछताछ कर मेरे द्वारा तस्दीक की गई तो बच्ची द्वारा बताया गया कि भानगढ़ में उसके चाचा चाची रहते हैं और चाची द्वारा मारपीट की जाती है, इसलिए बच्ची अकेली सड़क तक चलकर आ गई थी। तो जिस पर से उसके जो असल माता पिता हैं उनके संबंध में जांच पड़ताल की गई तो उनका पता नहीं चला है, इस कारण से हमारे द्वारा उसको चाइल्ड लाइन दे दिया गया है जिससे उसकी अच्छी काउंसलिंग हो सके और उसके माता पिता तक उसको पहुंचाया जा सके।